दोस्तों आज से आपका गोल्डन कार्ड बंद हो गया है और तब तक जब तक सरकार की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशंस मुकम्मल तौर पर ना दी जाए। रात भर मीटिंग्स चली, बैक टू बैक डेलिब्रेशंस हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। और वो तमाम अस्पताल जिनको सेहत स्कीम के तहत अभी तक सरकार पिछला जो पैसा था वाजिबुल अदा है, बकाया रकूमात थी 160 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा है, वो इन निजी अस्पतालों को या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको नहीं मिला। और डायलिसिस सेंटर्स, इन सब ने मुत्तफिका तौर पर, इनकी जो प्राइवेट एसोसिएशन है हॉस्पिटल्स की, उन्होंने मीडिया को भी आगाह कर दिया है, जानकारी दे दी है कि उन्होंने आज यानी 2nd of September से गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। दो तीन वजूहात है, मैं तकनीकी एतबार से बताऊंगा। अगस्त के महीने में साल 2020 में जम्मू कश्मीर में सेहत स्कीम या PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम नाफिज हुई। इस स्कीम के नाफिज होने के साथ ही मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटीज की तरह जितने भी गरीब पेशेंट्स थे या मरीज थे, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप मुल्क के किसी भी निजी अस्पताल से करवा सकते हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए तक। बहुत सारे लोगों ने इलाज करवाया, मैं डेटा भी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 250 के आसपास, 251 के आसपास ये जो निजी हॉस्पिटल्स बनते हैं अप्रोक्सीमेटली, इन 251 अस्पतालों ने भी इलाज करना शुरू किया, सर्विसेज देना शुरू की, और यहां तक कि टेलीमेडिसिन वाली सर्विस भी इन्होंने शुरू की। घर घर जाकर इन्होंने, अगर किसी पेशेंट को अस्पताल आने में दिक्कत आ रही थी, परेशानी थी, तो उसके घर तक भी स्कीम के तहत उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी ली कि हम सरकार से पैसा लेंगे, पेशेंट से नहीं लेंगे, इलाज करेंगे। और न सिर्फ महंगे इलाज होंगे, डायलिसिस होगा, ऑपरेशंस होंगे, सर्जरीज होंगी, बल्कि इसके अलावा कोई अगर आपको दवाई भी जरूरत है तो घर तक जाकर देने का फैसला हुआ। अब गोल्डन कार्ड आज से काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि 15-16 मार्च 2024 के बाद से इन तमाम निजी अस्पतालों को सरकार ने पैसा नहीं दिया है। जो सरकार इन्हें फंड देती है, जो पैसा बाद में आपके अकाउंट्स में वापस आता है, वो पैसा इन अस्पतालों को नहीं मिला है। अस्पतालों को सैलरीज निकालनी है, बिजली का किराया है, इमारतों का किराया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कहीं ठीक करवाना है, मुरम्मत करवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है, मेडिकल साजो सामान या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो तिब्बी सिस्टम होता है उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे चीज ज्यादा अगर कोई होती है तो वो होती है वहां का सामान, वहां की मशीनरी जो करोड़ों रुपए में आती है, बहुत महंगी है, कहीं हिंदुस्तान से मिलती ही नहीं है, फॉरन से लानी पड़ती है। ये सारी चीजें लाने में दिक्कतें इन अस्पतालों की या इनके मालिकान को हो रही थी, मकरूज हो गए, कर्जदार हो गए हैं। और इन्होंने अब फैसला लिया 17-18 अगस्त के आसपास, कहा कि 31 अगस्त की शाम तक अगर ये पैसा हमें मिल जाता है, गुड, अगर नहीं होता है तो 1 सितंबर से हम सर्विसेज देना बंद करेंगे। गोल्डन कार्ड चाहे आप लाएं या ना लाएं, हम इलाज नहीं करेंगे, आप कैश देंगे, पैसा देंगे, नकद पैसा देने के बदले आपका इलाज होगा। और हुआ वही, 29 तारीख को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी समाप्त हुई। इफको टोक्यो नाम की एक कंपनी है जिसने टेंडर लिया था और बीच में ये कंपनी अपना काम छोड़कर चली गई थी, इसको भी अंदाजा हो गया था कि मेरा काम यहाँ बनने वाला नहीं, यहाँ दाल गलने वाली है नहीं, तो इसने अपना पांव पीछे खींचा और चली गई, अस्पतालों को मंझधार में छोड़कर चली गई, फंसा कर चली गई। इफको टोक्यो कंपनी ने अपना काम जब रोका, उसने ये जिम्मा नहीं उठाया कि वो यहाँ इलाज में मदद करेगी, तो हाईकोर्ट तक बात पहुंची और हाईकोर्ट ने 29 तारीख को इफको टोक्यो नाम की कंपनी को कहा कि हुकूमत जब तक अपना कोई मुतबादल तलाशती है, कोई ऑल्टरनेट ढूंढती है, जब तक वो मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखती है, तब तक आप इलाज कंटिन्यू करें, सर्विसेज कंटिन्यू रखें, अस्पतालों को ताबून दें। आज तीसरा चौथा दिन है, 30 अगस्त भी गई, 31 भी गई, फर्स्ट वीक गुजर गया, इस इफको टोक्यो नाम की कंपनी ने कोई जवाब नहीं किया। अब जाकर बाजाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के जो प्राइवेट अस्पताल हैं और डायलिसिस सेंटर्स हैं, उन्होंने 2 सितंबर यानी आज से शुरू होने वाली आयुष्मान भारत मुफ्त सेहत इंश्योरेंस स्कीम जो थी, इसके तहत हेल्थ सर्विसेज को बंद करने या मुअत्तल करने के अपने फैसले का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। अब आप कहीं पर भी जाएंगे तो गोल्डन कार्ड के तहत काम नहीं चलेगा, क्योंकि अस्पताल में अपनी मुश्किलें आ रही हैं, जब तक इस पर सरकार कोई काम ना करे। हमारी जानकारी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बड़ी कोशिशें हुई, सरकार बड़ी संजीदगी से इस मामले में लगी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ रबते में है, रात भर भी बैक टू बैक, कल भी आज भी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। और आयुष्मान भारत के तर्जुमान ने अस्पतालों और डायलिसिस सेंटर्स की फहरिस्त में ये साफ कर दिया है कि हेल्थ सर्विसेज की मौतली इफको टोक्यो की तरफ से ये जो कंपनी है, अदालती अहकामात या ऑर्डर्स को फॉलो ना करना अदम तामील की वजह से हुआ, और प्राइवेट हेल्थ केयर
जिनका ये दावा है कि पिछले 6 महीनों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए की अदायगियां जेर इल्तवा हैं, सरकार ने इनको पैसा नहीं दिया और इस ताखीर की वजह से सेहत का बुनियादी ढांचा मुतासिर हुआ है, कामकाज मुतासिर हुआ है और फैसिलिटीज या खिदमात जो हैं उनका भी फुकदान और शदीद माली दबाव से लोग परेशान हैं, फाइनेंशियल क्रंच, और वो भी क्यों ना इस महंगाई के दौर में अस्पताल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो खिदमात को यहाँ से आगे वो बरकरार नहीं रखेंगे, साफ कर दिया गया। और इफको टोक्यो के मुआहदे के जो शराइत जवाबित थी उसके मुताबिक मौजूदा इंतजाम को वो जारी रखेगी। ये परसों अदालत ने भी 29 तारीख को अपने फैसले में कहा था, लेकिन उस फैसले को भी इस कंपनी ने नहीं माना। ये फैसले को मानने में कंपनी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और अदालती हुक्म के बाद जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है उसने अदालत की हिदायत पर अमल किया और इफको टोक्यो से राबता किया, लेकिन कोई फायदा इन रिप्रेजेंटेटिव्स के मुताबिक नहीं हुआ। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत खिदमात की मौतली, जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, वो कर दी गई और मुमकिन तौर पर मुतद्दिद मरीजों को ये मुतासिर करेगा। जो निजी अस्पतालों में सहूलियात या सेहत की जो देखभाल है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको थोड़ा और नीचे गिरा देगा। सरकार ने अब तक मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या गोल्डन कार्ड के तहत 2,285 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो आप अंदाजा लगाइएगा कि 2300 करोड़ रुपए मरीजों की बचत हुई है, हमें और आपको इलाज के लिए नहीं देना पड़ा है, जो सरकार ने दिया है। और ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहल है जिसके मुताबिक हर खानदान को 5 लाख रुपए का सालाना इंश्योरेंस मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम करता है हेल्थ स्कीम के तहत। इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 85,49,000 लोगों के पास गोल्डन कार्ड है और स्कीम के फवायद अभी तक लिए हैं। 13 लाख के आसपास लोगों को बड़े महंगे इलाज दिए जा चुके हैं, किए जा चुके हैं और 3,60,000 अफराद इस वक्त भी अभी भी 250 के करीब अस्पतालों से इलाज हासिल कर रहे हैं या इलाज हो रहा है। 48 लोग ऐसे हैं जिनकी माली मदद की गई है, बड़ा मुश्किल था इनका इलाज करना, उनका भी किया गया है, जिंदगियां बचाई गई हैं, लेकिन 2,285 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अब सरकार की शायद ये हिम्मत नहीं रही कि वो इस सिस्टम को कंटिन्यू कर सके, फिलहाल परेशानी है। आज शाम तक भी, बल्कि कल शाम तक और आज सुबह तक कोई भी हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं था। सर्विसेज बंद करने का कोई दूसरा रास्ता क्या है, राबता किस कैसे करेंगे या मुतबादिल क्या है, ऑल्टरनेट क्या है स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास, जब लाखों लोग मरीज हैं और सबसे ज्यादा परेशान जो आपको नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे इनमें डायलिसिस के पेशेंट, किडनी फेलियर जिनका होता है या ESRD डिजीज जिनको होती है, कई लोगों को जहां पर वेस्ट और एक्सेस फ्लूड जो है बॉडी के अंदर हो जाता है वो निकालने के लिए बड़ा महंगा इलाज जरूर पड़ता है, हर हफ्ते एक दो बार डायलिसिस की जरूरत, उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं। किसी को ब्लड फिल्टर करना हो उनको ज्यादा मुश्किलात, कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको मुश्किलात, TB के मरीज हैं, अगरचे उनका मुफ्त इलाज होता है लेकिन मुश्किलात से वो भी गुजर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ गोल्डन कार्ड की वजह से उनको मिलती थी, तो ये गोल्डन कार्ड फिलहाल काम नहीं करेगा जब तक सरकार कोई बात नहीं कर लेती है, किसी नई कंपनी को ठेका नहीं देती है, उनको टेंडर देती है, और अगर नई कंपनी को काम दिया भी जाता है तो तब भी मैं आपको बता दूं कि अस्पतालों, ये जिन्होंने आज मना किया है इलाज करने से, जितने भी अस्पताल या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ कुछ जगह पर जरूर पड़ता था लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जल्दी से महंगा इलाज विद इन डेज, जो हफ्तों में या महीनों में होता था वो आपका हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन अस्पतालों को मुश्किलात हैं। अब यहाँ अगर किसी नई कंपनी को टेंडर मिलता भी है, किसी नए को सरकार की तरफ से मौका दिया भी जाता है, तो हमारी जानकारी के मुताबिक इसकी टेक्निकलिटीज ये हैं, इसकी परेशानियां ये हैं कि कोई नई कंपनी अगर आती भी है, ये जिम्मा लेती है कि भाई साहब मैं पैसा खर्च करूंगी, जब तक सरकार मुझे देगी मैं पैसा लगाऊंगी, कोई बात नहीं मैं सरकारी अस्पतालों इन निजी अस्पतालों को मदद करूंगी, तो वो कंपनी कम से कम 3.5 से 4 महीने का टेंडरिंग का प्रोसेस होगा, बोली लगेगी, लिस्टें आएंगी, सबसे ऊपर जो रहेगी, जैसे ठेकेदार एक ठेका लेता है वैसे ही वो कंपनी ठेका लेगी। और अगर किसी कंपनी को इन 4-5 महीनों के बाद ठेका मिल भी जाता है, जिम्मेदारी मिल भी जाती है, इफको टोक्यो हट गई है, वो निकल गई है जिसने बीच में धोखा दिया है, नई कंपनी आकर पहला दबाव उस पर यह होगा कि फाइनेंशियल दबाव या जो माली दबाव इन अस्पतालों पर है, ये जो बर्डन पड़ा है इसको कैसे कम किया जाए, और 160 करोड़ रुपए पिछले 6 महीनों का जो बकाया है पहले वो कैसे अदा होगा, इस पर प्लानिंग तरतीब देनी होगी। तो अगर आप इन सारे असमंजस में फंसेंगे बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, लेकिन मरीजों के लिए मुश्किल है, 85 लाख से ज्यादा लोग, 85 लाख लोग जम्मू कश्मीर के जिनके पास गोल्डन कार्ड है, लेकिन ये इस वक्त रद्दी की मानिंद हो गया, फिलहाल काम नहीं करेगा जब तक सरकार कोई अपना हतमी फैसला ना सुनाए।
हो सकता है कि कल सुबह तक या आज शाम तक कोई मजीद बात आए, कोई अपडेटेड स्टेटमेंट आए तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक अस्पतालों ने कामकाज बंद कर दिया है, काम वो जारी रखेंगे लेकिन आप पैसा देंगे तो तभी आपका इलाज होगा, गोल्डन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि अस्पताल खुद परेशान है। 160 करोड़ रुपए जो बकाया है सरकार उनको अभी तक नहीं दे सकी है। डायलिसिस सेंटर ने भी यही फैसला मुत्तफिका तौर पर लिया है। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर देखिएगा कि सरकार जहां पर फंसी है वहां उसके पास ऑप्शंस क्या हैं।